हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का मिरर, स्फेरिकल मिरर का रे डायग्राम के क्वेश्चंस, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो भी हम सिर्फ और सिर्फ किसका कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर, क्योंकि एग्जाम में स्पेशली कॉनकेव मिरर के ही डायग्राम्स पूछे जाते हैं। इसके पहले इसकी पार्ट वन की जो वीडियोज़ है वो मैंने अपलोड कर दी है, ये पार्ट टू की वीडियो है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट टू की वीडियो के साथ। पार्ट वन में हमने कहाँ तक देखा था भाई, हम मैंने आपको बताया था ये आपका मिरर रहता है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर आप बनाते हो एफ, यहाँ पर आप बनाते हो सी। टोटल छह पोजीशन की बात होती है। पहला तो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, फिर थोड़ा सा बियॉन्ड, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तीन पोजीशन की बात हो गई है। अब और आपके पास तीन पोजीशन बचे हैं। पहला फर्स्ट पोजीशन जो होगा, देखो वो ज़रा ध्यान से देखना, फर्स्ट पोजीशन जो होगा वो होगा बिटवीन सी एंड एफ, उसके बाद एफ के ऊपर, उसके बाद बिटवीन दिस, मतलब ये तीन पोजीशंस अब हमारी बाकी है। तो आज की वीडियो में हम ये तीन पोजीशन के साथ डील आउट करने वाले। तो सबसे बेसिक डायग्राम मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले तो आपको बनाना भाई मिरर। मिरर के साथ साथ आपको क्या हाईलाइट करना है ज़रा बताएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ओपेक बनाना है, ताकि ये आपका क्या बन जाए, तो भाई मिरर बन जाए। अभी तक वो मिरर नहीं था, अब ये मैंने बना दिया, अब ये क्या हो गया, आपका मिरर हो गया। अब आपको सेकेंड क्या ड्रॉ करना भाई, तो प्रिंसिपल एक्सिस, आपका प्रिंसिपल एक्सिस भी बन गया। पॉइंट वन, पॉइंट टू, उसके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मैंने क्या बोला, देखो पॉइंट वन की जब हम बात करते हैं तो पॉइंट वन को हम क्या मेन नाम देते, तो भाई फोकस नाम देते, और इसको देते सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और ये पॉइंट को आप नाम क्या देते हो, पी, दैट इज पोल ऑफ द मिरर। मैंने आपको रूल्स भी बताया, रूल्स में तीन रूल्स बताया। पहला पैरेलल फोकस, ये हर जगह यूज होता है। फिर होता है फोकस पैरेलल, उसके बाद सी टू सी। सी टू सी मतलब क्या, अगर लाइन सी से जा रहा है सब, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस रिफ्लेक्ट होकर भी आएगा। और अगर पैरेलल जा रहा है तो वो फोकस से पास होगा, अगर फोकस से जा रहा है तो वो पैरेलल पास होगा। फर्स्ट देखो, पैरेलल फोकस, फर्स्ट रूल तो अप्लाई हो गया, पैरेलल फोकस। सेकेंड रूल, फोकस पैरेलल, फोकस पैरेलल, और ये जहां पर ये पॉइंट मीट कर रहा है वहीं पर आपका क्या बनता है भाई, तो इमेज बनता है। तो ये हो गया आपका फोर्थ डायग्राम। हमेशा हम इसमें क्या लिखते हैं, तो भाई तो इमेज की इंफॉर्मेशन लिखते हैं। अब जब इमेज की इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो पोजिशन ऑफ इमेज। पोजिशन कहां पर है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। फिर इसके बाद इसका आप क्या लिखेंगे, तो साइज लिखेंगे। साइज में क्या आएगा जरा बता सकते हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट। साइज आपको इमेज और ऑब्जेक्ट को ही देखकर बतानी है। ये देखो ये आपका क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ा है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, एनलार्ज। क्या लिखेंगे, एनलार्ज मतलब बड़ा हो गया। और नेचर में आपका क्या आएगा, नेचर तो आपको बताया है, रियल एंड इनवर्टेड। बस हो गया आपका ये काम। तो ऐसे आपका ड्रॉ होगा फोर्थ पोजीशन, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन अब कहां पर होगा, एट फोकस। तो नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, सबसे पहला बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला क्या आएगा, मिरर आएगा। मिरर को आप क्या करेंगे भाई, तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर बना रहे हैं, इसलिए रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कहां पर है, अंदर की साइड है। इसके बाद आप क्या ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, फिर पॉइंट वन, फिर पॉइंट टू, फिर आपका क्या आएगा भाई, तो ऑब्जेक्ट। देखो पॉइंट वन फोकस, पॉइंट टू आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा भाई, तो फोकस। अब रूल कौन सा है, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल सी टू सी। सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, पैरेलल, पैरेलल है तो कहां से जाएगा, फोकस से पास हो, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी, फोकस से पास करनी। उसके बाद नेक्स्ट, अब फोकस से पास होगा क्या, नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन गया, मतलब वो कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो रिफ्लेक्ट होकर वापस वहीं से पास होगा, तो रिफ्लेक्ट होगा, देखो वापस वहीं से आ रहा है, बराबर। अब आपको क्या लगता है, ये दोनों लाइन कहीं मीट करेंगे क्या, नहीं, दिस टू आर पैरेलल लाइंस। अब यहां पर जो आप जो इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पोजीशन, जो पोजीशन होगा इमेज का वो क्या होगा, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहीं जाके ये लोग क्या करेंगे भाई, तो मिल सकते हैं। और फिर जो आपका साइज होगा वो क्या रहेगा, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत बड़ा इमेज बनता है इसमें, हाईली मैग्नीफाइड। और नेचर तो आपको बताया मैंने, नेचर क्या रहेगा भाई, तो रियल एंड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर।
आई होप आपको ये डायग्राम भी समझ में आया कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको मिरर्स ये सब बेसिक डायग्राम बना लेना है, फिर रूल यूज़ करना है। तीन रूल में से कोई भी दो रूल हमेशा यूज़ होगा, और जहाँ पर भी आपके लाइट रेज ऐसे मीट करते वहीं पर आपका क्या बनता है, तो भाई इमेज बनता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पोजिशन। अभी नेक्स्ट पोजिशन देखो, ये फोकस और पोल के बीच में रहेगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो जब यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे फर्स्ट क्या रहेगा, तो देखो ये आपने क्या बना दिया, मिरर। अब इसको आप यहाँ से अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रहे हैं अंदर के साइड, तो ये कैसा मिरर हो गया, कॉनकेव। और हम भी किसके ही पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर के ही बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, फिर पॉइंट वन, पॉइंट टू। पॉइंट वन का नाम क्या रहता है भाई, तो फोकस। पॉइंट टू का नाम क्या रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट देखो बिटवीन, ये इसको नाम क्या दिया, पोल नाम दिया, पोल और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर रूल कौन सा लगेगा, या तो पैरेलल फोकस, या तो फोकस पैरेलल, और या तो सी टू सी। चलिए चेकआउट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट स्टेप। पैरेलल भाई ये तो पोल ऑफ मिरर से पास हो रहा है, याद रखना पोल ऑफ मिरर से अगर पास हो रहा है तो वो कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन पास होगी। कैसी लाइन पास होगी, तो स्ट्रेट लाइन पास होगी। अगर वो कहाँ से जाएगी, तो पोल ऑफ द मिरर से जाएगी। तो ये एक थर्ड लास्ट पैटर्न रहता है जिसमें वो पोल ऑफ द मिरर से भी पास होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट गई, ये आपका इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रेस बैकिंग करने वाले हैं। देखो इसको पीछे ट्रेस बैक किया, और ये लाइट को भी, लाइट रेस को भी पीछे ट्रेस बैक किया। जब ट्रेस बैक किया तो ये कहाँ पर मीट कर रहा है, यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा भाई, तो इमेज। अब ये फर्स्ट ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट साइड में, देखो एक ये इस साइड में और एक ये दूसरा साइड में। तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा, इमेज के बारे में हम लिखते हैं सब कुछ। सबसे पहले क्या लिखोगे, तो पोजीशन। पोजीशन में क्या लिखोगे, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर। उसके बाद साइज क्या रहेगा, वेरी लार्ज। उसके बाद नेचर, अब ये नेचर बदल जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग साइड है, तो ये नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या था, वो असली इमेज था। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या, ये डुप्लीकेट इमेज है। तो ये एक एक्सेप्शनल डायग्राम है जिसके अंदर आप यहाँ से लाइट रेज ड्रॉ करते, कहाँ से भाई, तो देखो पोल से ड्रॉ करते, याद रखना कहाँ से ड्रॉ करते आप, तो पोल से ड्रॉ करते। ये एक एक्सेप्शनल डायग्राम है, वरना आप फंस जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी वीडियो समझ में आई, वीडियो में हमने क्या किया वो सारी चीज़ें समझ में आई। तो चलिए मूव ऑन करते हैं और इसका एक समरी बना के देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे। समरी की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो हमने स्टडी किया वो हमने क्या किया भाई, तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस किया। तो बिटवीन सी एंड एफ, इस कंडीशन में आपका इमेज किधर बन रहा था भाई, बियॉन्ड। अच्छा ये सारा पार्ट इमेज का पार्ट है, कहाँ पर बन रहा था भाई, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा था। उसके बाद ये कैसा था इमेज, कैसा था, मैग्नीफाइड था, मतलब बड़ा था, और रियल एंड इन्वर्टेड था, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन हमने कौन सा देखा, तो एट फोकस देखा। जब हमने एट फोकस देखा तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा था, यहाँ पर जो बन रहा था वो कहाँ पर बन रहा था, तो एट इन्फिनिटी बन रहा था, बराबर एट इन्फिनिटी पे वो बन रहा था, एट इन्फिनिटी पे बन रहा था, तो हाईली मैग्नीफाइड था, मतलब बहुत बड़ा था, हाईली मैग्नीफाइड था। और नेचर कैसा था, तो भाई रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट वाला जो हमने देखा थर्ड, ये एक्सेप्शनल केस है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, इसको मैं अलग पेन से हाईलाइट करके लिखता हूँ। एट फोकस वाला जो था, ये फोकस डन हो गया, बिटवीन सी एंड एफ डन हो गया। अब ये क्या आएगा, बिटवीन फोकस एंड पोल, ये कैसा बनेगा, कहाँ पर बन रहा है, एट इन्फिनिटी बन रहा है क्या, नहीं, एट अदर साइड ऑफ मिरर, दूसरे साइड बन रहा है। फिर ये कैसा था, ये भी था वेरी एनलार्ज था, और ये कैसा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट था। ये रही पूरे ये वीडियो की समरी, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी। ये सब क्या है, इमेज का डिस्कशन है, और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा ये किसके बारे में बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशंस दिया हुआ, और ये अकॉर्डिंगली इमेज की पूरी बात हो रही है। तो
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया कि कैसे हमने वीडियो को अच्छे से सॉल्व आउट किया है। आपको भी ऐसे ही डायग्राम बना के रखने, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।